रतलाम नगर निगम ने हिम्मत विहार कॉलोनी में रास्ते पर बनी दीवार को तोड़कर रास्ता शुरू करवाया, जिसका नागरिकों ने विरोध किया। हिम्मत विहार कॉलोनी के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक दीवार बना दी थी, जिससे कि उनके पीछे बने अन्य कॉलोनी के रहवासियों का रास्ता बंद हो रहा था, जिसकी शिकायत पीछे कॉलोनी में रह रहे रहवासियों ने निगम प्रशासन से की थी। निगम प्रशासन ने नक्शे को देखकर यह पाया कि वास्तव में दीवार रास्ते पर ही बनाई गई थी, जो कि गलत है, और वास्तव में दूसरी कॉलोनी के लोग को आवागमन में परेशानी हो रही है। अतः आज निगम प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से दीवार को गिराकर रास्ता प्रारंभ किया। निगम अधिकारी जब वहां कार्यवाही करने पहुंचे तो कॉलोनी के रहवासियों ने उनका विरोध किया और दीवार गिरने के आदेश किसने दिए और उसकी कॉपी दिखाने की मांग की, और नियमों के अनुसार अधिकारियों से पूछा कि वह किस प्रकार बिना आदेश के किसी भी निर्माण को तोड़ सकते हैं। निगम अधिकारियों ने अपने दस्तावेज दिखाए और नागरिकों को समझाइश दी कि सरकारी कार्य में बाधा नहीं डाले, अन्यथा निगम सख्त कार्यवाही करने को मजबूर होगा। निगम के अधिकारी और इंजीनियर जायसवाल ने नागरिकों को समझाइश दी तब वहां के रहवासी माने, लेकिन उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए निर्माण किया था। उन्होंने कहा कि अगर यह रास्ता खुलने से इस कॉलोनी के रहवासियों को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है या अन्य कॉलोनी के लोग यहां से आते जाते समय कोई हादसा होता है या यहां के रहवासियों को उनसे कुछ परेशानी होती है, तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और पुनः इस दीवार को बनाने की मांग प्रशासन से करेंगे। उनका कहना था कि इस जगह से नाली होने से सांप बिच्छू का भी कॉलोनी में प्रवेश हो सकता है, इसी कारण सुरक्षा की दृष्टि से यह दीवार बनाई गई थी। नक्शा दिखा रहे हो, परमिशन आदेश दिखा उनको। दीवार नहीं, हम दीवार बनाएंगे, दीवार आदेश चाहिए हमको। अभी आदेश का है, आदेश का अभी भी नहीं बता रहे हो। हाँ आदेश ले, वो बोल दिया आराम को बोला, बाकी नाम तुम्हारा? ममता वसुनी। क्या हुआ आपके साथ? सर मैं ड्यूटी गई थी और ड्यूटी से शाम को जब आई ना तो नगर निगम वाले प्रशासन बोल रहे हैं कि प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है, इस दीवार को तोड़ा गया, और हम लोग घर पे थे नहीं, दोनों पति पत्नी दोनों बाहर है ना, और हमें बिना सूचना दिए इन लोगों ने इस दीवार को तोड़ा और मेरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ। उसमें तिराड़ आ गई है, उसके बाद यहाँ पे आके परेशान कर रहे हैं, भाटे फेंक रहे हैं, गाड़ी को नुकसान कर रहे हैं, ये इटाड़े फेंकना है, ये करना है, ये मेरी पर्सनल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और भीड़ के भीड़ इतनी लेडीज से आ गई और जेंट्स आ गए हैं हमारे माथे, सुबह 8 बजे से आ गए, सुबह 8 बजे से हमें परेशान कर रहे हैं। लेडीज जेंट्स सारे ही लोग आके ना यहाँ पे सीधे भीड़ घुस गई मेरे, और बच्चे आके लेडीज आके इसको गाड़ी को ठोक रहे हैं, गाड़ी पे बार बार मार रहे हैं, और इटाड़े सारे मार मार के घर पे अभी यहाँ छोड़ के गए हैं। अब बार बार मेरे को मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं प्रशासन से ये कर रही हूँ कि मुझे बताएं, ये अगर अनुमति ली है जो भी है, मुझे सूचित नहीं करा है गवर्नमेंट ने तो मुझे बिना सूचना के तोड़ा गया। मैं प्रशासन से यही चाह रही हूँ, मुझे बताना था, हम तो यही चाह रहे हैं, पूरी कॉलोनी वाले भी यही, क्योंकि सूचना किसी को भी नहीं दी गई यहाँ पे बिना अनुमति से। हमें कोई अनुमति, जेपीसी मशीन आई थी उस समय जब टूटा था, तो हम लोगों से अनुमति या कुछ पूछना तो चाहिए। आज अपना पर्सनल मकान भी तोड़ते हैं, तोड़ रहे हो आप, खुद का भी अपन मकान तोड़ते हैं सर, तो एक पूछना पड़ता है कि ये मतलब एक रजिस्टर लेटर होता है कि हम ये चीज़, उसके लिए 10-15 दिन पहले बोला जाता है, मतलब बिना अनुमति से आप मतलब कल को आके तो हमें हमारी कॉलोनी में घुस भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो दादागिरी की जा रही है, और ये पास में लेडीज़ है, इसके मकान को क्षतिग्रस्त किया गया, उसे मारने की करी, उसे जाके हम लोगों ने बचाया है, इस तरह की हरकत की, तो ये सही है क्या? हम लोगों ने इनको प्यार से बोला आप एक एक जने करके जाइए रस्ते से, पर ये लोग तो नहीं, झुंड बना के और एक एक घंटे में आके हम कॉलोनी वालों को सभी को परेशान कर रहे हैं। हमारा मतलब इतना ही अनुरोध है कि आप रास्ता सार्वजनिक है तो सबको दीजिए, लेकिन थोड़ा एक तरीके से, उसका भी तरीका होता है, लीगल तरीके, बस लीगल एक तरीके से, और हम लीगल उनसे पूछ रहे तो वो कुछ मतलब हमें बता, अगर रास्ता दिया भी जाता है एक तरीके से, अगर सार्वजनिक है भी तो हमें उससे कोई इतना नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पीछे अवैध काम होते हैं और हमने अपनी आंखों से देखे, और वो सब हम नहीं चाहते। और दूसरा यहाँ पे जीव जंतु सांप बड़े बड़े निकलते, जो हमें खतरा है, अगर आप बच्चों को कुछ तकलीफ हानि पहुँचाता तो उसका जिम्मेदार कौन है?
हमें मतलब उस चीज़ का जवाब दिया जाए, उसके लिए हमें पूरी सेफ्टी चाहिए। इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से रास्ता बंद किया जाए और आगे से जो रास्ता है वो निकाल दिया जाए। वो निकाले, हमें कोई तकलीफ, हमें कोई तकलीफ नहीं है किसी वजह से, हमें कोई बिना अनुमति के तोड़िए। और हम नहीं चाहते हैं कि ये दीवार टूटे, टूट गई ऐसे तो अब टूट चुकी है पर बिना अनुमति के टूटी है, तो हम हमारी सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा के अनुसार हमें वापस से ये दीवार बनवानी है। और हम नहीं चाहते ये इस कॉलोनी से लगी हुई 7 कॉलोनियां लगी हुई है, हम नहीं चाहते अब अवैध कॉलोनी है, ये अवैध कॉलोनी ना कि वैध कॉलोनी है। हमने वैध कॉलोनी को दे रखा उधर से रास्ता, अब उधर की कॉलोनी वो गेट खुलवा के ले सकते है रास्ता, हम इधर से नहीं देना चाहते सुरक्षा के अनुसार। कौन सी कॉलोनी है आपकी? ये हिम्मत विहार कॉलोनी है। सर मैं कुछ बोल सकता इसलिए यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर फिर अमृता जो हो रहा है और यहाँ पर तो अपने जो गेट बना रखा हो वहाँ पर रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।